एक डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं इन ईयर 2023, जिसमें कोई भी कोडिंग, प्रोग्रामिंग और पास एक्सपीरियंस की जरूरत ना हो और सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिनिमम 6 लाख पर एनम की। इसी टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट, सो एक डेटा एनालिस्ट की जॉब हम कैसे ले सकते हैं? अगर आप एक नॉन आईटी से बिलोंग करते हैं तो आईटी में आ सकते हैं, एक डेटा एनालिस्ट की जॉब ले सकते हैं, बट उसका एक रोड मैप क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक एजेंडा की कि क्या क्या चीजें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हु इज अ डेटा एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट कौन है, क्या करता है। सेकेंड चीज, डेटा एनालिस्ट के लिए स्किल्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं। थर्ड हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट एंड दैट टू बी सुपर फास्ट। एंड फोर्थ हम लोग बात करेंगे डेटा एनालिस्ट की सैलरीज एंड करियर स्कोप। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डेटा एनालिस्ट एक्चुअल में होता कौन है। देखो, लॉजिकली समझो और ये भी समझना इस बात से कि उसकी नीड क्या होती है एक कंपनी में, आपको चीजें क्लियर होंगी। देखो, डेटा एनालिस्ट करता क्या है? डेटा एनालिस्ट एज द नेम सजेस्ट, वो डेटा को एनालाइज करता है। बट किस तरह का डेटा? जनरली एक बिजनेस लेवल डेटा। जब एक डेटा एनालिस्ट को डेटा दिया जाता है, बिजनेस लेवल डेटा, तो वो उसमें से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकालता है जो कि कंपनी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है, जो कि अदरवाइज वो इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल होता है। और उस इंफॉर्मेशन को इस तरह से वो प्रेजेंट करता है टॉप मैनेजमेंट को या ओनर्स को या डिसीजन मेकर्स को उस कंपनी के, ताकि उनको ये समझ में आता है कि अभी किसी भी डिपार्टमेंट में उस कंपनी के या ओवरऑल कंपनी में क्या चल रहा है, राइट? और उससे वो कुछ ऐसे डिसीजन ले पाते हैं जिससे वो अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर पाते हैं, और कुछ जो एक्टिविटीज हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस को हैम्पर कर रही होती हैं, उन एक्टिविटीज को वो रोक पाते हैं। इसीलिए एक कंपनी की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए जो भी चीजें कंपनी में होती हैं, चाहे वो सेल्स हो, परचेजेस हो, या डिपार्टमेंट के इंटरनल चीजें कुछ भी हो, उससे रिलेटेड जो डेटा है वो कैप्चर करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और साथ ही में सिर्फ कैप्चर करना नहीं, उसको एनालाइज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्लियर? तो ये जॉब रोल होता है डेटा एनालिस्ट का। अब आपको इंपॉर्टेंस भी इससे क्लियर हो रही होगी क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ऑलराइट, अब हम लोग बात करते हैं, एक सैंपल लेते हैं समझने के लिए। सपोज हम बात करते हैं एक ग्रोसरी स्टोर की और दूसरी हम लोग बात करते हैं वॉलमार्ट की। दोनों ही ग्रोसरी बेचते हैं, राइट? अब आपने अक्सर ये चीज देखी है, जो हमारे गली में जो ग्रोसरी स्टोर होता है, जो एक लालाजी चलाते हैं, छोटा ग्रोसरी स्टोर होता है, वो कभी भी एक फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं बन पाता है, एक बड़ा ग्रोसरी स्टोर नहीं बन पाता। 20-25-30 साल से वो सेम स्टोर रहता है, वो अपने घर की इनकम उससे चला रहे होते हैं, बट उस चीज को बड़ा क्यों नहीं कर पाते? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वो कभी भी डेटा कैप्चर नहीं करते। जो भी लोग उनके दुकान पे आते हैं सामान लेने, कितने का क्या इंसान सामान ले रहा है और एक के साथ क्या दूसरी चीज ले रहा है, किस तरह का कस्टमर आ रहा है, जब बच्चे आते हैं तो किस तरह की जिद करते हैं माँ बाप से, तो क्या चीजें खरीदते हैं, किस चीजों पर नजर उनकी पहले पड़ती है, बहुत सारी चीजें होती है। ऐसी चीजों के बेस पर जब ये डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो कि वॉलमार्ट करता है, बिग बाजार करता है, रिलायंस करता है, जब ये लोग ये डेटा कलेक्ट करते हैं तो सही प्रोडक्ट वो वहां पर रख पाते हैं, जिससे उनकी सेल 3-4-5 गुना बढ़ जाती है। ऑलराइट, तो यही फर्क होता है जहां पर डेटा एनालाइज नहीं किया जाता और कैप्चर भी नहीं किया जाता, और दूसरी तरफ जहां पर डेटा कैप्चर भी होता है और एनालाइज भी होता है, यहां पर ग्रोथ का बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता। क्लियर हुआ? ऑलराइट, तो आप समझ चुके हो कि एक डेटा एनालिस्ट क्या होता है और वो क्या करता है। यहां तक अगर चीजें क्लियर हो रही हैं, कुछ भी नॉलेज आपको मिल रही है, तो प्लीज इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। इस तरह के वीडियोस बनाने का पर्पस है आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, नॉलेज पहुंचाना, जो कि आपके करियर ग्रोथ में हेल्प हो। सो गिव मी अ थम्स अप ऑन टू दिस वीडियो एंड थैंक यू सो वेरी मच दिल से फॉर दैट। अब हम बात करते हैं कि ठीक है, डेटा एनालिस्ट क्या होता है ये तो हम समझ गए, लेकिन इसके लिए क्या चीज रिक्वायर्ड है, कौन सा स्किल रिक्वायर्ड है से हम डेटा एनालिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये स्किल क्या है, कितने टाइम में हम सीख सकते हैं, ये सारी बातें अब मैं आपको बताता हूं। देखो, डेटा एनालिस्ट के लिए मैंने आपको बताया कि डेटा के बेस पे इंफॉर्मेशन निकालना। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना होता है डेटा इन जनरल। अब ये छोटी मोटी दुकान का डेटा नहीं है कि जो कि 500,000 ट्रांजेक्शन होंगी टोटल मंथ में, ऐसा नहीं है। बात यहां पर ये आती है कि कंपनीज की, और जिन कंपनीज की बात आती है वहां पे लाखों करोड़ों में डेटा होता है, और ये छोटी मोटी चीजों के ऊपर एनालाइज करना
बहुत मुश्किल हो जाता है। जनरली लाला जी जो होते हैं वो पेन पेपर लेकर बैठते हैं उसको जमा घटा करने के लिए, बट ये काम आप लाखों करोड़ों डेटा के ऊपर नहीं कर सकते। इसीलिए आपको एक स्पेशलाइज टूल की रिक्वायरमेंट होती है, और मार्केट में आज के टाइम पे जो सबसे ज्यादा इन डिमांड टूल है वो है माइक्रोसॉफ्ट का पावर बीआई। अब ये इन डिमांड क्यों है उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर किसी तरह की कोडिंग प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तभी किसी भी कंपनी का किसी भी डिपार्टमेंट का इंसान इस टूल को 1 से 1.5 महीने में लर्न करके यूज करना सीख सकता है, अप्लाई कर सकता है इसको। क्यों? जैसे कि मैंने बताया कोई प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलराइट, सारी चीजें इसके इंटरफेस में अवेलेबल होती हैं, आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। हाँ, फॉर्मूला का भी यूज इसके अंदर होता है, बट ओवर द टाइम आप उन सब चीजों को सीखते हो, और इसी के बेस पे आप कुछ इस तरह के रॉ डेटा से इस तरह की अमेजिंग रिपोर्ट्स बनाते हो, जिन रिपोर्ट्स को जो टॉप मैनेजमेंट या क्लाइंट जब देखता है या जो डिसीजन मेकर है वो देखता है, तो उसको क्लियरली दिखता है अच्छा इस पर्टिकुलर रीजन में जहां हम सेल कर रहे हैं वहां गलती है, या यहां पे रिटर्न क्यों इतनी ज्यादा आ रही है, क्या रीजन है, वो सारी चीजें उनको पता चलती है। ये मेरे 5000 एम्प्लॉइज हैं, इसमें ये 100 एम्प्लॉइज क्यों अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, या वो 50 एम्प्लॉइज क्यों ओवर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें डेटा के बेस पे, उस डैशबोर्ड के बेस पे चीजें क्लियर होती है। बेस्ट पार्ट ये है, एज आई टोल्ड यू, कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, और 1 से 1.5 से 2 महीने के अंदर आप इस टूल को इजीली लर्न कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो भी दिन में 1 से 1.5 घंटा निकालकर इस टूल को लर्न कर सकते हो। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई टूल। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं हाउ टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट सुपर फास्ट। देखो, अब मैं मानता हूं कि आपने टूल लर्न किया, क्लियर, अब आपको नॉलेज है डेटा एनालिसिस की। अब पॉइंट है कि दो तरीके आपको अपनाने पड़ेंगे जिससे आपको अपॉर्चुनिटी जल्दी मिले। डेटा एनालिस्ट की फील्ड में हजारों की तादाद में इस टाइम पे जॉब्स अवेलेबल है, ऑलराइट, बहुत इन डिमांड फील्ड है। पहला तरीका है सिंपली आप जॉब्स के लिए अप्लाई करो, इनफैक्ट उन जॉब्स के लिए भी अप्लाई करो जहां पर 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जब आप पावर बीआई लर्न करोगे, समझोगे, सीखोगे, उससे जब सैंपल डेटा से आप जो भी डैशबोर्ड्स क्रिएट करोगे, रिपोर्ट क्रिएट करोगे, वो रिक्रूटर को दिखाओगे। रिक्रूटर को मेन कंसर्न है आपकी नॉलेज का उस टूल के अंदर, विच इज पावर बीआई, जिसके बेस पे आप डेटा का एनालिसिस करोगे उनकी कंपनी के अंदर। तो जब आप अपने रिपोर्ट्स डैशबोर्ड्स उनको शो करोगे और वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे किस तरह से आपने बनाया, क्या क्या एनालिसिस किया, वो आप आंसर कर पाओगे क्योंकि आपने वो बनाया है, इस तरह से आपको एडवांटेज मिलती है, और आप 1-2 साल की रिक्वायरमेंट जो है एक्सपीरियंस की उसको भी ब्रेक करके आपको जॉब जरूर मिलेगी। दूसरा तरीका है जब आप लिंक्डइन पर जाओ और जो भी आपने रिपोर्ट्स डैशबोर्ड आप बनाते जा रहे हो अपनी लर्निंग के बेस पे, वो वहां पर पोस्ट करते चले जाओ और टैग करो स्पेशली उन कंपनीज के लोगों को जिन कंपनीज में आप जाना चाहते हो, जिस कंपनी में आप जॉब लेना चाहते हो, ताकि उन लोगों को पता चले कि आप एक स्किल्ड इंसान हो, आप एक नॉलेजेबल इंसान हो पावर बीआई के अंदर, आप एक वैलिड कैंडिडेट हो डेटा एनालिस्ट जॉब के लिए और आपको वो अप्रोच कर सके। क्लियर? तो ये दो तरीके आप अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, सो आई होप आपको यहां तक भरपूर नॉलेज मिल रही है, करियर ओरिएंटेड नॉलेज मिल रही है, और यही पर्पस है मेरे चैनल का। आई कैन गारंटी यू अगर आप मेरे चैनल का कोई भी वीडियो उठा ले तो आपको भरपूर नॉलेज उन वीडियो में मिलने वाली है। सो प्लीज फॉर द सेक ऑफ दैट नॉलेज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड थैंक यू सो मच दिल से अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं। चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट की, जो की है डेटा एनालिस्ट सैलरी एंड करियर स्कोप। अगर आप डेटा एनालिस्ट बनते हैं तो इसमें सबसे पहला जो पड़ाव आप लेते हैं वो है डेटा एनालिस्ट का, जो सबसे पहला लेवल आता है, जिसके अंदर आप 6-8 लाख पर एनम का पैकेज आप ले सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जो नेक्स्ट लेवल है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद आप सीनियर डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें इनकम होती है आपकी, जो सैलरी पैकेज होता है वो 9-14 लाख पर एनम के बीच में होता है। कुछ और भी टूल्स आप साथ में लर्न करते हैं ऑन द जॉब, जैसे SQL आप लर्न करते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन टू द करियर ऑफ डेटा एनालिसिस, राइट। फिर 2-3 साल और काम करके आप डेटा एनालिस्ट लेवल 3 पर पहुंचते हैं, जहां पे सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं 14 से लेकर 22 लाख पर एनम की। फिर अगेन थोड़ा और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद प्रिंसिपल डेटा
एनालिस्ट का आप रोल ले सकते हैं जिसमें सैलरी है 22 से लेके 37 लाख पर एनम। एंड लास्ट वन इज डायरेक्टर ऑफ डेटा जिसमें आप सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं अप टू 50 लाख पर एनम ऑल्सो। इसके आगे भी इसमें फील्ड होती है, जैसे जैसे आप नॉलेज गेन करते जाते हैं और टीम को हैंडल करते हैं, 1 CR प्लस पैकेजेस भी डेटा एनालिस्ट के जॉब रोल में आजकल लोगों को मिलने लगे हैं। ऑलराइट, तो ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल है, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क एंड लर्निंग जो कि आप ऑन द जॉब भी करते हो। आई होप यहां तक आपको नॉलेज मिल रही है, बट अगर अभी भी आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू द रोड मैप टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट कि नॉन आईटी से हम आईटी में कैसे आ सकते हैं, डेटा एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं और भी डिटेल में आपको जाना और कोई भी क्वेश्चन आप में से पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं एक फ्री मास्टर क्लास रख रहा हूं। ये एक ऑनलाइन फ्री मास्टर क्लास है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बायो और फर्स्ट कमेंट में गिवन है। यहां पर मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं, और इसको ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस देता हूं अपनी बेस्ट सेलिंग ईबुक टू बिकम अ डेटा एनालिस्ट जो आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री, विच वर्थ ₹1500 अपॉन ज्वाइनिंग दिस फ्री मास्टर क्लास। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बायो फर्स्ट कमेंट में गिवन है, जाइए साइन अप करिए, मुझे वहां मिलिए और समझिए कंप्लीट रोड मैप कि कैसे आप एक नॉन आईटी फील्ड से आईटी में आ सकते हैं बिना किसी कोडिंग प्रोग्रामिंग और पास एक्सपीरियंस के, और सैलरी मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 6 लाख पर एनम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, मैं आपको इस फ्री मास्टर क्लास में मिलता हूं।